महेंद्र सिंह धोनी जिस दौर में विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका की नई परिभाषा गढ़ रहे हों, ऐसे में दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी की राह कतई आसान नहीं होती। आखिरी बार 2010 में टेस्ट खेलने वाले कार्तिक इतने समय आत्ममंथन के बाद बेबाकी से आकलन करते हुए कहते हैं कि धोनी जैसे विलक्षण खिलाड़ी के रहते उनके लिए टीम में जगह बनाना आसान नहीं था। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले कहा कि मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक थी और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी से प्रतिस्पर्धा थी। वो भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कप्तानों में से एक बने और विश्व क्रिकेट पर अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी। चोटिल रिद्धिमान साहा के विकल्प के तौर पर कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ 2010 में अपने करियर का 23वां टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद से भारतीय टीम ने 87 टेस्ट खेले जिसमें कार्तिक टीम में नहीं थे। कार्तिक ने कहा कि मैंने अपना स्थान किसी आम क्रिकेटर को नहीं गंवाया, धोनी खास थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उस समय मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर सका, अब मुझे एक और मौका मिला है और मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।